वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेला की है, आखिर क्यों सानू अमृत वेले उठना चाहिए थे? अमृत वेले ही कीता होया पाठ क्यों सानू सब तो पहला लगता है? क्योंकि एक तो वो जिहड़ा टाइम होंदा बहुत ही अमृत टाइम होंदा, उस वक्त सारी कायनात सो रही होंदी है, तो उदो देवी देवत्यां दा टाइम होंदा। बहुत घट लोग यहोजे होंगे है जो उस वेले उठ सकते हैं, सिर्फ उही उठते हैं जिदे उत्ते परमात्मा आप कृपा करता है। जो परमात्मा की किसी इंसान नूं देन दी चाहत होंगी है ना, तो सब तो पहला परमात्मा उस इंसान नूं अमृत वेले नाल जोड़ना शुरू करता है। दुनिया विच जिन्हें भी लोग होए हैं, जिन्होंने भी कुछ जिंदगी विच अचीव किया, वह सारे ही अमृत वेले नाल जुड़े हुए हैं। तुसीं किसी का भी इतिहास कढ़ के देख सकते हो, चाहे दुनिया विच कोई भी है जिन्हें शिखरां दी बुलंदी नूं हासिल किया, उन्हां दा कोई ना कोई कनैक्शन अमृत वेले नाल जरूर रहा होगा। सवेरे 3 बजे तो लैके 5 बजे तक का जिहड़ा समा हुंदा है बड़ा पाक पवित्र हुंदा है। कहिंदे है उदो गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिंह शहीद आप आके थानू उठाते हैं और कहते हैं कि उठो पाठ करो, ये अमृत वेला है। कहते अमृत वेले बोलिया बबीहा ता दर सुनी अरदास। बबीहा भी होंदा, कहते अरदास कबूल होंदी है जो अमृत वेले उठ के बबीहा बोलता है। बबीहा अपनी जिहड़ी उहदी रूह की आवाज़ है परमात्मा तक उहदी पहुँचती नहीं है, बट जो अमृत वेले उठता है तो उहदी अरदास सब तो पहला परमात्मा नाल सुनी जाती है, उहदे तक पहुँची जाती है। थोनों भी अगर लगता है कि जिंदगी विच तुसीं कितें अटक गए हो, थोड़ा कोई काम नहीं बन रहा, जिंदगी च थोनों कुछ भी समझ नहीं आ रहा किहड़े पासे जाइए, सारे पासे थोनों हनेरा ही हनेरा दिखाई दे रहा, तो तुसीं मेरे कहते एक बार कल सवेर तो अमृत वेले उठो, नहा धो के सुचे कपड़े पाने, सुचे कपड़े यानी कि फ्रैश कपड़े पाने है, पाठ करना है, अरदास करनी है उस परमात्मा कुदरत अल्लाह ताला परमेश्वर उस जोत उस रूह उस रूहानी ताकत दे नाल जुड़ना है, कोशिश करनी है। पाठ करो, जपजी साहब के पाठ करो, सुखमने साहब के पाठ करो, पंज बाणियां का पाठ करो, कोई भी पाठ करो, बट पाठ करके अरदास करो। उस तो बाद तुसी अपना ध्यान लगा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी तुसी इस दुनिया तो चाहते हो, क्योंकि आप सारे एक दुनियावी सफर से आए हुए हैं। जो साडा सफर खत्म होना है असी सारिया ने उहदे घर विच जाके मिलना है। सो ये जिहड़ी साडी जर्नी है होर ज़्यादा ईजी हो जाएगी, सुखाली हो जाएगी। दुनिया ते असीं आए गए हाँ, बट कहिंदे कदी औखे सौखे राह जिहड़े होंदे आ जिंदगी दे विच सानूं बड़ा परेशान कर दिंदे आ, इस परेशानी विच साडा कोई सहाय नहीं होएगा सिवाए उस परमात्मा दे। ते उस परमात्मा नूं असीं किवें खुश करना है? सिर्फ ते सिर्फ उहदा पाठ करके, अमृत वेले नाल जुड़ के। अमृत वेले दे वक्त विच इन्नी ज़्यादा ताकत है, मैं अपनियां अखां दे सामने करिश्मे हुंदे देखे है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।